ज्वाली उपमंडल के अंतर्गत भरमाड़ मार्केट में आज रैंडम रैपिड टेस्टिंग शुरू की गई, जिसमें 93 लोगों की रैंडम रैपिड टेस्टिंग की गई है। इसमें से 4 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। भरमाड़ के डॉक्टर अंकुर पीएस ने बताया कि आज हमने भरमाड़ मार्केट में रैंडम रैपिड टेस्टिंग शुरू की है, जिसमें हम बाजार में आए लोगों के रैपिड टेस्ट कर रहे हैं। यह इसलिए भी जरूरी है ताकि हम कोरोना के बढ़ रहे मामलों को रोक पाए। हमारी सभी से अपील है कि वह टेस्ट करवाने से ना डरें और ना ही बीमारी को छुपाने की कोशिश करें। यहां कोई भी टेस्ट करवा सकता है। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव आता है तो उसकी जानकारी उसके पास के अस्पताल में दे दी जाएगी। यह टेस्टिंग ज्वाली, फतेहपुर और भी कई जगहों पर इसी तरह चली हुई है। इस मौके पर डॉक्टर अंकुर चौधरी, संदेश सिंह, रविन्द्र कुमार MHS, कनिका CHO, आशा वर्कर, सपना कुमारी, अनिता कुमारी मौजूद रहे। हमारे भरमाड़ में जो कि मार्केट एरिया है या जो भी शॉप है, वहाँ पे हमने रैंडम टेस्टिंग स्टार्ट करी है। और इसमें हमारा टारगेट है कि रैंडम जो लोग हैं उनमें अगर कोई पॉजिटिव है उसको हम डिटेक्ट करें, और जो COVID-19 का जो स्प्रेड है जो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रोकने की कोशिश करी जाए। तो इसमें मेरा लोगों से भी आग्रह है कि वो आएँ, अपनी टेस्टिंग करवाएँ। अगर रैंडम मार्केट प्लेस पर वो सैम्पलिंग नहीं आ सकते हैं तो चाहे PSC आके सैम्पलिंग करवाएँ, और जितना बाकी लोगों को अवेयर करें इस बारे में। इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है कि आप सैंपलिंग ना करवाएं। बाकी हमारा इसमें ऐसा रहेगा कि टारगेट जो हमारा है वो 60-70 पर डे टेस्टिंग का, कोविड टेस्टिंग का टारगेट है। और इसमें ऐसा नहीं है कि जो भरमाड़ के लोग हैं उन्हीं की टेस्टिंग करी जाएगी। अगर कोई ज्वाली का है, रहन का है, फतेहपुर का है, जो भी एरिया से जो भी क्रॉस करता है उसका हम टेस्ट करेंगे। अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसकी हम सूचना उसके एरिया में जो भी हॉस्पिटल होएगा या उनकी जो पंचायत होगी वहाँ तक पहुँचा दी जाएगी और वहीं से ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। तो सर कहाँ कहाँ पर ये टेस्टिंग की जा चुकी है? देखो, ये टेस्टिंग हमारे ब्लॉक फतेहपुर में भी चली है, ज्वाली ब्लॉक में भी चली है, और कांगड़ा में काफी जगह चली है रैंडम सैंपलिंग। ये अभी पूरे हिमाचल में शायद इस प्रकार से अभी सैंपलिंग स्टार्ट सरकार द्वारा करी गई है, ताकि रैंडम प्लेस पे जो कि मार्केट प्लेस है उस पर ये सैंपलिंग की जाए और लोगों को पहले इस चीज आने से पहले या हॉस्पिटल आने से पहले डिटेक्ट किया जाए। धन्यवाद। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए ज्वाली से राजेश कौंडल की रिपोर्ट।